हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ चौधरी, स्वागत है आप सभी का लिव विद आसिफ में फिर से और एक बार। तो यस गाइस, आज हमारे वीक का है छठा दिन जो कि है सैटरडे। एंड आज के दिन मेरा सबसे पहला क्लास सुबह में था हाइजीन का, जो कि हो गया है। सुबह का वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं लेट उठा। आज 9 बजे की क्लास थी, मैं 10 मिनट पहले उठा एंड फटाफट गया क्लास को। क्लास तो हो गई, टेस्ट हुआ था तो टेस्ट भी लिख दिया मैंने जितना आया मेरे को क्वेश्चन। एंड अभी आज कोई फिर अभी तो फ्री हूँ क्योंकि कोई क्लास है नहीं, तो अभी थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके मैं सोच रहा हूँ जाऊँ जिम। एंड फिर जिम से आने के बाद क्योंकि इधर पे वॉलीबॉल के मैचेस चालू होने वाले, तो देखते हैं अगर टाइम मिला या मन किया तो वॉलीबॉल के मैच देखते जाऊँगा जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में होता है। बाकी बात यह है कि कल के वीडियो में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है ऐसे वीडियो में नॉर्मली। बाकी मैं ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से जितना भी मैं अपना कर सकूँ वीडियो में, आई मीन इनपुट जितना ज़्यादा दे सकूँ। अभी आके तो आज के दिन कोई क्लास है नहीं, खाली है वैसे तो पूरा दिन, तो वही देखता हूँ नाश्ता करने के बाद जिम जाऊँगा। एंड फिर जिम से आने के बाद नहाऊँगा, नहाने के बाद जाऊँगा वापस से, नहीं तो सोऊँगा थोड़ा सा क्योंकि रात में पढ़ाई कर रहा था तो सो नहीं पाया ज़्यादा। तो देखते हैं क्या करना है, एज पर द प्लान गोज, एज पर द डे गोज, देखते क्या क्या चेंजेस करना है प्लान में। सो अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा था मेरे को, नाश्ता वाश्ता कर लिया मैंने। पिछले 2 दिन में से मैं जिम गया नहीं हूँ ना, अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ जिम। आज वही जो आखिरी बार मारा था शोल्डर्स एंड लेग्स वही कंटिन्यू करूँगा, ट्राई करूँगा। आज थोड़ा हल्के वेट से ही करूँगा, बट क्योंकि 2 दिन का गैप पड़ा था तो कुछ हुआ नहीं, बट आज ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत बेटर करने का। सो सक्सेसफुली जिम कंप्लीट, जिम का टास्क एक्चुअली आज तो बहुत अच्छे से हो गया। शोल्डर भी अच्छा खासा मारा एंड लेग्स भी, ऐसा रिफ्रेशिंग लगा क्योंकि 2 दिन से जिम आ नहीं रहा था तो दिन भी खाली खाली जा रहा था। वो तो ऐसा था क्योंकि अगर वेट ब्रेक नहीं लिया रहता तो शायद इंजरी ज़्यादा बढ़ सकती थी, तो अच्छा हो गया कि मैंने ब्रेक लिया जिससे मेरे को हेल्प हुआ। अब सीनियर को मेरे दूध में मतलब सामान लेने का थोड़ा सा मंगवाया उसने, तो वही लेने जा रहा हूँ मार्केट में। सो गाइस, जिम भी हो गया, खाना भी हो गया, रिफ्रेश भी हो गया, अभी जा रहा हूँ मैं वॉलीबॉल देखने। वैसे तो मेरी टीम थी बट कुछ रीज़न की वजह से मैंने अपनी टीम को बैकआउट कर दिया एंड अभी मैं अपने सीनियर्स के टीम से तो मतलब मैच खेलते देखने वाला हूँ। इधर स्मॉलेंस में बहुत सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं जो कि सीनियर्स करते हैं एंड उसमें अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी टीम बना के। जैसे कि वॉलीबॉल की टूर्नामेंट होता है, बास्केटबॉल का टूर्नामेंट होता है, अभी अगले महीने नेक्स्ट मंथ आई गेस अप्रैल से चालू हो जाएगा। इधर स्मॉलेंस का सबसे बड़ा इवेंट रहता है, सबसे बड़ा ऐसे समझ सकते हैं, हाँ सबसे बड़ा इवेंट बोल सकते SPL करके, स्मॉलेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट का रहता है वो, जहाँ पर बहुत सारी टीम्स साथ में कम्पीट करती हैं एंड उसमें से एक फाइनलिस्ट जीतती है एक टीम। उसका मतलब बहुत बड़ा इवेंट होता है वो, कम से कम चलता है 2-3 महीना चलता है, सेम जैसे IPL अपना इंडिया में। इधर स्मॉलेंस में स्मॉलेंस प्रीमियर लीग है जिसमें बहुत मज़ा आता है, पूरे साल भर नहीं, आई मीन ढाई तीन महीना चलता है एंड सबको मज़ा आता है। अभी तो फ़िलहाल अपन जा रहे हैं वॉलीबॉल देखने। कल्चरल कमेटी का भी
डांस वगैरह चल रहा है, थोड़ा उधर पे भी देख के आ जाते हैं दोस्त लोग मेरे उधर पे, तो जाकर देखता हूँ कि क्या चालू उधर पे। वैसे भी ज़्यादा इतने दोस्त नहीं, सारे जूनियर्स ही हैं मोस्टली, बट कुछ दोस्त भी उधर पे, तो उन लोगों का क्या सीन उधर पे प्रैक्टिस चल रहा है कि क्या, देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि उधर पे सब डांस एंड ऑल प्रैक्टिस चल रहे थे, तो मेरा तो उधर पे ऐसा कुछ काम था नहीं, तो मैं आ गया बाहर। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि मेरे को पोस्ट ऑफिस जाना था, तो मैं आज अभी आया हूँ, देखता हूँ पोस्ट ऑफिस खुला है कि नहीं खुला, क्योंकि मेरा एक कुरियर आया था, तो वही लेने के लिए मैं आया हूँ पोस्ट ऑफिस में। इधर पे अपन लोग को ऑप्शन मिलता है कि अपना जो भी कुरियर है अपन लोग मंगवा रहे हैं, सच है जैसे ऑनलाइन अपने इंडिया में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे भी बहुत सारे साइट्स है, जैसे कि ओजोन है, वाइल्ड बेरीज है, Alibaba.com, ये सब चीज़ पर अगर अपन लोग ऑनलाइन मंगाते हैं तो अपने पास ऑप्शन मिलता है कि अपन पोस्ट ऑफिस में मंगाए या फिर कोई डिपार्टमेंट के स्टोर पे। तो मैंने पोस्ट ऑफिस में मंगाया है, पोस्ट ऑफिस में देखता हूँ। तो पार्सल तो ले लिया, पार्सल पोस्ट ऑफिस पाया था, तो पार्सल मैंने ले लिया है। ना भूख लग रही थोड़ी सी, तो सोच रहा हूँ जब पार्सल पर जाते हैं कुछ खा लूँ या फिर बाहर से कुछ खा लूँ, देखते हैं। अगर इसने भी साथ में बोल दिया कि बाहर से कुछ देखते हैं, तो बाहर से कुछ खा लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली शॉर्मा, नहीं तो फिर और क्या ही खा सकते हैं शॉर्मा के अलावा। वैसे भी तो अपन इंटरनेशनल स्टूडेंट है ना रशिया में। गाइस इसी के साथ मेरा दिन होता यहीं पे ख़त्म, कि खाना वाना भी खाऊंगा मैं, शाम हो गई है, वैसे भी खाना वाना खाएंगे। वॉलीबॉल के बाद गया था पोस्ट ऑफिस, जैसे आपने देखा पोस्ट ऑफिस के बाद मैं थोड़ा बहुत खाना खाया, क्या किया मैंने आने के साथ, मैंने हल्का सा नाश्ता किया क्योंकि मेरे को भूख लग रहा था, एंड फिर वापस से आ गया मैं हॉस्टल। हॉस्टल में आने के बाद अभी खाना बनाएंगे, खाना बनाने के बाद फिर थोड़ा बहुत मस्ती इधर उधर, और फिर इधर ही से होता है दिन ख़त्म। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और अपने सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। एंड हाँ, आई मीन टू से, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूल। तब तक के लिए शब्बक है।